तो चलिए दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है आज का जो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो बायोलॉजी का क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो आप सब इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों इसमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल है तो चलिए स्टार्ट करते आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्लोरेला निम्न में से क्या है इसमें बताना हमें कि क्लोरेला जो है वो निम्न में से क्या है ऑप्शन हम लोग का सेवाल जीवाणु प्रोटोजोआ और एकल कोशी का प्रोटीन इसमें हमें बताना है कि क्लोरेला जो है क्या है तो क्लोरेला एक सहवाल है क्या है एक सहवाल है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जलीय जंगली घास है इसमें बताना है कि जलीय जंगली घास कौन है ऑप्शन हम लोग का ट्रापा हाइड्रीला जलकुंभी और ए बी दोनों बताना जलीय जंगली घास क्या है तो जलीय जंगली घास जो हो जाएगा हाइड्रीला भी हो जाएगा और जलखुंभ भी हो जाएगा क्या हो जाएगा हाइड्रीला जलखुंभ दोनों होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों लिखा हुआ है सॉरी सॉरी ए और सी होगा क्या होगा यहाँ पे ए और सी होगा बी नहीं होगा सी होगा ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री चक्र पुष्पों में बना होता है इसमें बताना है जो स्त्री दल चक्र है वो पुष्प में किससे बना होता है ऑप्शन है हम लोग का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और उपयुक्त सभी तो इसमें बताना है हमें कि स्त्री दल चक्र जो है पुष्प में बनता होता है तो वो किससे किससे बनता है तो वो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी यह तीनों से बनता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को बिल्कुल मत भूलिएगा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ईस्ट में प्रजनन मुख्यता किस किसके माध्यम से होता है इसमें बताना है जो ईस्ट है उसमें किसके माध्यम से है प्रजनन होता है तो किसके माध्यम से होता है तो आप लोग को याद रखना है कि मुकुलन से होते. होता है किससे होता है मुकुलन से होता है आपको ये याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जायांग में स्त्री के असर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है तो इसमें बताना है जब जयांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग युक्तांडपी कहते हैं क्या कहते हैं युक्तांडपी देखिए यहाँ पे युक्तांडपी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का टैपिटल कोशिका दर्शाती है तो बताना है हमें टैपिटल कोशिका क्या सब दर्शाती है ये बताना है तो टैपिकल कोशिका जो दर्शाती है वो एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुड़ीता को दर्शाती है किसको दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुड़िता को दर्शाती है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर आप लोग को याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद होता है इसमें बताना है कि जो जलोद्भिद पौधा है क्या है तो क्या हो जाएगा सिंघाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक जलोद्भिद पौधा है आपको ये याद रखना है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पराग भित्ति होती है तो बताना है कि पराग भित्ती कैसी होती है तो पराग भित्ति वो कई स्तरीय होती है क्या होती है कई स्तरीय होती है कैसी होती है तो वो कई स्तरीय हो जाती आपको है आपको ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पराग भित्ति जो होती है वो कई स्तरीय होती है यानी उसके बहुत सारे स्तर होते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलिसनेरिया होती है तो वेलिसनेरिया क्या होती है ये बताना है हमें तो किससे परागित होती है ये बताना है हमें तो किससे परागित होती है तो वो परागित होती है जल से परागित होती है किससे होती है जो वेलिसनेरिया के पुष्प होते हैं वो जल परागित होते हैं कैसे होते हैं जल परागित जल के द्वारा उसमें परागरण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमूल्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है तो बताना है कि निश्चित रूप से क्या होता है ये बताना है तो निश्चित रूप से स्वपरागण होता है क्या है? होता है स्वपरागण होता है निश्चित रूप से आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का परागण मुख्यतः होता है बताना है कि परागण जो है मुख्यतः कैसा होता है तो परागण जो मुख्यतः नर युग्मक होता है क्या होता है नर युग्मक होता है आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का परागकण हो सकते हैं तो परागकण कैसे हो सकते हैं ये बताना है तो पराग जो है गेमेटोफाइटस सजावटी एलर्जी कारक तीनों हो सकते हैं क्या हो सकते हैं गेमेटो भी हो सकते हैं सजावटी भी हो सकते हैं एलर्जी कारक भी हो सकते हैं इसका क्या तो इसका डी हो है क्या है? इसका राइट 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 आंसर 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 क्या क्या हो 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 जाएगा 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 तो डी इनमें इनमें से से सभी सभी हो जाएगा आप लोग को ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है इतना है जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका उससे क्या बनता है तो गुरु बीजाणु से क्या बनेगा तो उससे गुरु बीजाणु ही बनेगा क्या मातृ कोशिका है ये मदर सेल है तो इससे क्या बनेगा तो इसे गुरु बीजाणु बनेगा क्या बनेगा गुरु बीजाणु आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का पुष्पीय पौधे में नर पे युग्मक युग्मक नहीं होगा यहाँ पे युग्मक का निर्माण होगा युग्मक के निर्माण किसके विभाजन से होता है बताना कि किसके विभाजन से होता है ये बताना है हमें तो ये किसके विभाजन से होता है तो ये जनन कोशिका के विभाजन से होता है किससे होता है जनन कोशिका से आपको ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब पूछेगा कि पुष्पीय पौधे में नई युगम का निर्माण किसके विभाजन से होता है तो आपको बोलना है ज जनन कोशिका से होता है किससे होता है जनन कोशिका से आपको बताना है इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है तो बताना है कि भ्रूण की सेंट्रल कोशिका कौन सी कोशिका है तो वो बताना है कि कौन सी कोशिका है तो वो है कौन सी, तो वो, सी हो जाएगी तो वह द्वितीय केंद्रक हो जाएगी क्या हो जाएगी द्वितीय केंद्रक जो भ्रूण कोष का सेंट्रल कोशिका होता है वह द्वितीय केंद्रक होता है क्या होता है द्वितीय केंद्रक होता है आपको ये याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है बताना है कि पुष्पासन किसका खाया जाता है हम लोग पुष्पासन किसका खाते हैं तो सेब का खाते हैं किसका खाते हैं पुष्पासन हम लोग सेब का खाते हैं शरीफा नारियल का सब हम लोग का अंडाश्रय खाते हैं लेकिन सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं क्योंकि मतलब जो सेब होता है वो पुष्प सेब बनते पहले पुष्प होता है फिर उसके बाद सेब बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन नर युगमक से संयोजन कर भ्रूणकीय बनाता है बनाया है तो बताना है कि क्या बनाया है तो वो क्या बनाता है वो द्वितीय केंद्रक बनाता है क्या बनाता है द्वितीय केंद्रक बनाया रहता है आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्त बीजी पौधे के भ्रूण कोष में गुणसूत्र की संख्या होती है तो आवृत्त बीजी पौधे में भ्रूणपोष की गुणसूत्र की, गुण की संख्या इसमें गुणसूत्र की संख्या बतानी है हमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है तो वो थ्री एन होती है कितनी होती है थ्री एन होती है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपको ये याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परागण किस में नहीं होता है बताना है कि वायु परागण किस में नहीं होता है तो वायु परागण किस में नहीं होता है ये बताना है तो घास में तो होता है वायु परागण गेहूँ में भी होता है मक्का में भी होता है लेकिन जो सेविलिया है सेलिवेरिया हो गया इसमें सेलवेरिया तो इसका राइट आंसर की डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर इसमें है वायु से परागित नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बीज चोल खाया जाता है तो बताना है कि बीज चोल किसका किसका खाया जाता है तो बीज चोल हम लोग शरीफा का भी खाते हैं सेब का खाते बीज चोल हम लोग शरीफा का खाते हैं एक्चुअली यहाँ पर शरीफा का खाते हैं हम लोग लीची का खाते हैं और जायफल का खाते हैं लेकिन जायफल और शरी लीची नहीं दिया हुआ है तो इसमें शरीफा दिया हुआ था इसको हम लोग शरीफा का कहेंगे कि शरीफा का जो हम लोग बीज चोल खाते हैं बाकी हम लोग पुष्पासन खाते हैं सेब का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का भ्रूणपोष में कितनी गुणसूत्र होता है ये बताना है कि भूणपोष में कितनी गुणसूत्र पूछ रहा है इसमें गुणसूत्र पूछ रहा है तो हम लोग क्या बताएंगे तो गुणसूत्र कितना होता है तो यही थ्री एन होता है अभी हम लोग ऊपर देखा ये क्वेश्चन इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सामान्यतः कैप्सेला में भूड़पोस होता है तो कैप्सेला में भूड़पोष किस तरीके से होता है ये बताना है तो उसमें कैसा होता है तो वो उसमें त्रिगुणित होता है कैसा होता है त्रिगुणित होता है वो ठीक है आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटी टोटी पोटेंसी होता है टोटी पोटेंसी होगा तो किसने सिद्ध किया ये बताना है हमें तो किसने किया तो स्टीवॉर्ड ने किया किसने किया स्टीवॉर्ड ने किया ये सिद्ध कि कोशिका टोटी टोटिपोटेंट होती है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एक प्रारूपिक आवृत बिजी कोष प्राय है तो वह किस तरीके से है कितनी कोशिकाओं से है क्या वो एक कोशिकाओं से है या फिर दो कोशिकाओं से या फिर पाँच से या फिर सात कोशिका से इसमें बताना है कि आवृत्त विजी भूण को प्राय कैसी होती है तो वो कैसी होती है तो वो सात कोशिकीय होती है कैसी होती है सात कोशिकीय होती है आपको ये याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल भूलिएगा मत अच्छे से इसको समझ के याद कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का भारतीय आविर विजी भूण विज्ञान के जनक है इसमें बताना है भारतीय आवृत्ति बिजी बताना है मतलब भारतीय आवृत्ति बीजी भूण ये बताना है तो कौन हो जाएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है तो क्या होगा पी महेश्वरी क्या होगा क्या होगा पी महेश्वरी जब भी महेश्वरी दिखेंगे भारतीय के नाम पर पूछा जाएगा तो आपको पी महेश्वरी बताना है क्या बताना है पी महेश्वरी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का विजांड के वृंत को कहते तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजांड के वृंत को कहते हैं तो विजांड के वृंत को क्या कहते हैं हम लोग तो बिजांड के वृंत को कहते हैं पेडिसल कहते हैं क्या कहते हैं पेडिसल कहते हैं आपको ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में अगर पूछेगा कि विजांड के वृंत को क्या कहते हैं तो आपको बोलना है पेडिसल ऑब्जेक्टिव तो में आएगा तो आपको टिक मार देना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नारियल में खाने योग्य भाग होता है तो हम लोग नारियल में क्या खाते हैं तो नारियल में हम लोग क्या खाते हैं ये बताना है तो नारियल में हम लोग भूणपोस खाते हैं क्या कहते हैं भूणपोस खाते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से किसे मादा युग्मकोभिद कहते हैं युग्मकोभिद पूछ रहा है कि किसे कहते हैं हम लोग तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वो हम लोग भ्रूणकोस को ही मादा युगुमो को भिद कहते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर है आपको ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फूलों में कीटों द्वारा परागण कहलाता है ये बताना है कि जो फूल में कीट के द्वारा परागण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं औरथिनो कहते हैं क्या कहते हैं और कहते हैं आपको ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी पूछेगा कि फूलों में कीटों के द्वारा परागण कहलाता है तो क्या कहलाता है तो कहेंगे हम लोग औरथिनो कहेंगे क्या कहेंगे और आपको याद रखना है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सेब में खाने योग्य भाग होता है तो सेब में हम लोग जो खाते हैं उस भाग को क्या कहते हैं तो उसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं क्या कहते हैं पुष्पासन कहते हैं आपको याद रखना है मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग सेब का खाते हैं भाग उसको पुष्पासन कहते हैं और सेब जो है एक असत्य फल है मित्य फल है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में फलों में किस में एरिल पाया जाता है एरिल मतलब क्या होता है तो एरिल जो लीची में पाया जाता है जिसे हम लोग बीचल कहते हैं बीचोल को ही एरिल कहते हैं इंग्लिश में हम लोग एरिल कहते हैं तो बीचोल में किसका खाते हैं हम लोग तो शरीफा जायफल और लीची का लेकिन इसमें लीची जायफल ये सब नहीं दिया शरीफा दिया तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अभी एरिल पूछ रहा है यानी कि सी यानी कि बीचोल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जरायुजता पाया जाता है तो जरायुजता किस में पाया जाता है तो ये मद्दार में पाया जाता किस में पाया है मद्दार में आपको बताना है जब भी पूछेगा कि जरा किस किसमें पाया जाता है तो आपको मदार में बताना है आपको ये याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाहर निषेचन की क्रिया होती है यानी कि बताना है कि बाहर निषेचन की किस में ये क्रिया होती है क्या मछली में होती है सरीसिप में होती है पंछी में होती है या फिर स्तनधारी जियो में होती है तो बताना कि बाहर निषेचन किस में होती है यानी कि बाहर निषेचन किसका होता है तो वो मछली का होता है किसमें होता है मछली में होता है आपको ये याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नारियल का फल है तो नारियल के फल को हम लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे बैरी कहेंगे नट कहेंगे कैप्सूल कहेंगे या फिर डूब कहेंगे तो नारियल के फल को क्या कहेंगे हम लोग तो नारियल के फल को जो कहेंगे हम लोग डूब कहेंगे क्या कहेंगे डूब इसे तो हम लोग अपने भाषा में डाब भी कहते हैं तो यहाँ पर डूब लिखा तो डूब कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पराक्रणों होगा परागकणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडार में किया जा सकता है तो बताने कि कि किस तापमान में हम लोग उसका भंडार कह सकते हैं तो कितने में किया जाता है माइनस वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं हम लोग कितने पे कर सकते हैं माइनस वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मतलब ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर है आपको ये याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पुष्प के नर जनन नरजनन अंको कहते हैं तो पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं क्या उसे जयांक कहेंगे या फिर पुमंग कहेंगे क्लोरेला कहेंगे या फिर अन्य कहेंगे तो पुष्प के नर जन को क्या कहते हैं तो उसे हम लोग पुमंग कहते हैं स्त्री का पूछेगा तो जायांग कहते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पुष्प के मादा जनानन को क्या कहते हैं तो पुष्प के मादा जनान को क्या कहेंगे हम लोग जायांग कहेंगे क्या कहेंगे जायांग कहेंगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का स्टेमन का फर्टाइल भाग है तो बताना है स्टेमन का फर्टाइल भाग क्या है तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आपको बताना है पराकोस होगा क्या होगा पराकोस कहेंगे हम लोग जो स्टेमन का फर्टाइल भाग होता है वो पराकोश होता है आपको ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछेगा एग्जाम में कि स्टेमन का फर्टाइल भाग क्या होता है तो आपको बताना है पराकोष नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है जो पुष्प अंग है वो किसका रूपांतरित भाग है तो आपको क्या बताना है तो वो पत्तियों का रूपांतरित भाग है किसका है? पत्तियों का इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ही फल है सही फल बताना है यानी कि सत्य फल बताना है तो सत्य फल क्या हो जाएगा तो सत्य फल नारियल हो जाएगा बाकी ये सब असत्य फल है क्या हो जाएगा सत्य फल क्योंकि नारियल जो है हम लोग उसका अंडाशय खाते हैं बाकी सबका पुष्पाशय खाते हैं पुष्पासन क्या कहते हैं पुष्पासन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का लीची का खाने योग्य भाग है तो हम लोग लीची का कौन सा भाग को खाते हैं ये बताना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फ्लैसी एरिल हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्लैसी एरिल मैंने बताया था ना बिचोल जिसको बोलते हैं हम लोग तो उसी को कहते हैं इंग्लिश में फ्लैसी एरिल कहते हैं क्या कहते हैं फ्लैसी एरियल यहाँ पे बिचोल लिखा जाएगा तो बिचोल पे हम लोग टिक मारेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पराकण होता है तो पराकड़ कैसा होता है तो पराकड़ जो है अगुणित होता है कैसा होता है अगुणित होता है यानी कि हेप्लॉयड होता है आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि परागण होता है तो आपको बोलना है हेप्लॉयड होता है अच्छे से इसको समझ लीजिए कि पराक्रण जो है अपलोड होता है आपको याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर है तो चलिए दोस्तों हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को में जरूर शेयर कर दीजिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल से न्यू जुड़ रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर कर के आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा थैंक्स फॉर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो